गुड मॉर्निंग बच्चों, देखिए इस वीडियो में मैं क्लास सेकंड को एक सैंपल पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है ना बच्चों। ये सैंपल पेपर है, इसके अकॉर्डिंग ही आपका जो एग्जाम पेपर होगा वो आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी ये सेंटेंसेस दे रखे हैं, हमको क्या करना है, इनमें सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। तो सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, जिसके बारे में सेंटेंस में कहा जाता है। तो देखिए द अर्थ इज राउंड, अर्थ कैसी है, गोल है। तो द किसके बारे में बात हो रही है, अर्थ के बारे में। तो हम इसमें अर्थ, द अर्थ जो है वो सब्जेक्ट है। सेकंड, वी लव आवर कंट्री। तो बच्चों इसमें वी लव, वी सब्जेक्ट है, वी लव आवर कंट्री, यानी हम अपने देश से प्यार करते हैं। तो वी इसमें हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। राइट थिंग्स, प्लेस, एनिमल्स और पर्सन फॉर द फॉलोइंग। बच्चों इनमें जो भी है वो हमको फिल करना है। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या है, डॉक्टर पर्सन है ना, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, पर्सन, ठीक है। बुक क्या है, बुक थिंग है। काव क्या है, काव एनिमल है, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल क्या है बच्चों, हॉस्पिटल जो है वो प्लेस है। बच्चों जो इस चैप्टर की मैंने इमेज भेजी थी आपको फिल करके, उसमें स्कूल में थिंग लिख दिया है, बट स्कूल थिंग नहीं है, स्कूल जो है वो प्लेस है। मैं आपको रीसेंड कर दूंगी दोबारा से जो सही लिखा हुआ है उस पिक्चर को, ठीक है। चलिए अब मैच करना है। फादर क्या है बच्चों, फादर कॉमन नाउन है, तो हमको यहाँ पे मैचिंग करनी है, कॉमन नाउन से सही लगा देना है। सिल्वर क्या है, सिल्वर मटेरियल नाउन, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट, राइट द सिंगुलर नंबर ऑफ द फॉलोइंग। हमको एक तो सिंगुलर नंबर लिखनी है, प्लूरल फॉर्म में दे रखे हैं, तो सिंगुलर में इसको लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जगह दे रखी है, यहाँ पे आपको इसको फिल कर देना है। फीट का क्या होगा बच्चों, फुट। चिल्ड्रन का क्या होगा, चाइल्ड। बुक्स का क्या होगा, बुक, ठीक है। इस तरीके से हम इसको फिल कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, चेंज द जेंडर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये बच्चों वर्ड्स दे रखे हैं, हमको अपने जेंडर चेंज करते हैं, है ना। तो पहले टाइगर में क्या होगा, टाइगर्स। टाइगर्स नेक्स्ट, हॉर्स का क्या होगा बच्चों, मेयर। हॉर्स मीन क्या होता है, घोड़ा, और मेयर मीन घोड़ी, है ना। चलिए नेक्स्ट, डॉग का क्या होगा, विच। ठीक है, अच्छा। और स्टेप फादर का क्या होगा बच्चों, स्टेप मदर, स्टेप मदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन है, हमको इनके आंसर देखो। तो पहले वेयर डू वी कैप फ्रूट, बच्चों फ्रूट्स कहाँ रखते हैं, तो फ्रूट्स हम रखते हैं बास्केट में, बास्केट में रखते हैं ना, तो हम यहाँ पे बास्केट देख देंगे, ठीक है, बास्केट। नेक्स्ट, वेयर डू वी थ्रो गार्बेज, हम गार्बेज का फेंकते, कचरा का फेंकते हैं डस्टबिन में, तो हम क्या लिख देंगे, डस्टबिन, ठीक है। अब वेयर वर यू बोर्न, अब कुछ ये आपको खुद फिल करना है कि आप कहाँ पैदा हुए थे। तो सोचिए अगर आप मथुरा में पैदा हुए थे तो आप यहाँ मथुरा लिख देंगे, अगर आप किसी और सिटी में है ना, या कहीं भी पैदा हुए थे तो आप वो जगह लिख देंगे। मैंने मथुरा फिल कर दिया, लेकिन ये जरूरी है कि मथुरा ही आए, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया कि आप मथुरा, सोच लीजिए मथुरा में पैदा हुए तो आप मथुरा लिख देंगे। तो बच्चों ये सिर्फ एक सैंपल पेपर है, ये एग्जाम पेपर हो सकता है इसमें से कुछ एग्जाम में आ जाए, हो सकता है कुछ भी ना आए, है ना, हो सकता है बहुत कुछ आ जाए। तो ये सिर्फ एक सैंपल पेपर है, इसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्जाम पेपर है वो आएगा, ठीक है। आपको याद जितना भी सिलेबस में आ रहा है सब लर्न करना है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इसको लर्न करके और ठीक है हम हमारी प्रिपरेशन हो गई एग्जाम के लिए, नहीं। जितना सिलेबस में दिया गया, सिलेबस आपके पास जा चुका है, इंग्लिश ग्रामर में जितना भी सिलेबस आ रहा है, 1-5 कन्वर्सेशन के लिए चैप्टर आ रहा है, ठीक है, तो वो सब आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। चलिए थैंक यू।